लंबा चल के अपनी पहाड़ी भाषा की क्या कहते हैं लिपि क्या होगी, राइट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अब अधिकतर लोगों ने, जैसे आप भी कह रहे थे कि चर्चा हो रही है कि भी टांकरी हो सकती है, यस, हम क्या करें जी, किस में लिखें। तो जो शारदा लिपि है, हमारे पूर्वज जो हिमाचल के पूर्वज या तो काशी जाते थे विद्या ग्रहण करने के लिए, हमारे वंशज, या फिर कश्मीरी विद्या, भारत हिमाचल में कश्मीरी विद्या है। तो यहाँ पे इस पुस्तक को जब मैंने शोध किया था तो यहाँ पर पाबूची, भटाखरी, पंडवाणी, चंदवाणी लिपियों के वंशज थे, वो सारे के सारे कश्मीर से जाकर के उन्होंने विद्या ग्रहण करी। तो शारदा लिपि में था। जब आप यूज कर रहे हो वर्ड शारदा, हाँ जी, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखेंगे हिमाचल में, इस पुस्तक को जब मैं लिख रहा था, इस दूसरा विषय आता कि अब मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो बोलियां हैं, जैसे आप कांगड़ी, चंबियाली, लाहौली, किन्नौरी, क्या कहते हैं आपकी महासुई, बघाटी, बाघली, उसके बाद कहलूरी, मंडियाली, कुलुई, ये और ये सारी 10 है, परंतु परमार ने उनकी संख्या 30 तक भी कही है। अच्छा। और 30 वो डायलैक्ट्स की भी सब डायलैक्ट्स है। इस पुस्तक को ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये जो चक्र मैंने बनाया है, इसमें सारी की सारी पहाड़ी भाषा की उपभाषाएं, बोलियां और उनकी भी सब डायलैक्ट्स, छोटी बोलियां, उसका भी मैंने जिक्र किया है। तो वहाँ प्रश्न उठ रहा था जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था कि हिमाचल की अपनी पहाड़ी भाषा की क्या कहते हैं लिपि क्या होगी, राइट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अब अधिकतर लोगों ने, जैसे आप भी कह रहे थे कि चर्चा हो रही है कि भी टांकरी हो सकती है, यस, हम क्या करें जी, किस में लिखें। तो जो शारदा लिपि है, हमारे पूर्वज जो हिमाचल के पूर्वज या तो काशी जाते थे विद्या ग्रहण करने के लिए, हमारे वंशज, या फिर कश्मीरी विद्या, भारत हिमाचल में कश्मीरी विद्या है। तो यहाँ पे इस पुस्तक को जब मैंने शोध किया था तो यहाँ पर पाबूची, भटाखरी, पंडवाणी, चंदवाणी लिपियों के वंशज थे, वो सारे के सारे कश्मीर से जाकर के उन्होंने विद्या ग्रहण करी। तो शारदा लिपि में था सारा, वेदों से लेकर के खगोल विद्या के बहुत बड़े ग्रंथ, जिसमें एस्ट्रो फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, और कालगणना के सिद्धांत, और हमारे जितने भी वेदों के, उपनिषदों के ग्रंथों के ग्रंथ है, वो सारे के सारे शारदा में थे। वो सीखे, उन्होंने शारदा से लिपि सीखी। वहाँ से जो पाबूची लिपि है, वहाँ से जैसलमेर जाते हैं वहाँ के पूर्वज, जैसलमेर से राजकुमारी का विवाह सिरमौर में होता है, सिरमौर के राजकुमार के साथ, तो वो साथ आते हैं वहाँ के। वो कश्मीरी पंडित है जो जैसलमेर जाते हैं, इसमें मैंने उसका जिक्र किया है, पाबूची ब्राह्मणों की कश्मीर से हिमाचल यात्रा। तो वो आपके अपने साथ ग्रंथों को नहीं लाए साथ, उन्होंने उस लिपि में ग्रंथों को उन्होंने लिखा जो शारदा में थे, परंतु बाद में भौगोलिक आधार पर बदल गया और वो उन्होंने वो पाबूची लिपि अपने आप में, जैसे खड़गा है वो वहाँ का गुरुकुल है, उसके बाद जो जितने भी सिरमौर के छोटे छोटे गांव, वहाँ तक ये लिपि चली जाती है। तो जो उन्होंने पांडुलिपियाँ लिखी है, उनका मूल सिरमौरी है और भाषा सिरमौरी है, सिरमौरी उपभाषा या बोली है, परंतु हम समष्टि रूप में तो उसको हिमाचली पहाड़ी कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरी चंदवाणी, पंडवाणी, ये भी गुरुकुल है, ये तीनों गुरुकुल शिमला में है, भटाखरी, पंडवाणी, चंदवाणी, ये शिमला जिला के हैं, तीन गुरुकुल हैं। इनके पूर्वज भी कश्मीर से लाए, जैसे चंदवाणी लिपि जो है आज जिसको हम कहते हैं, ये तहसील चौपाल की लिपि है, वहाँ का गुरुकुल है बटेउड़ी गांव में, मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी है। तो परंतु वो शारदा लिपि में था, परंतु उन्होंने सारा उस वहाँ से वो ज्ञान ला करके अपनी भाषा महासुई में उसको लिपिबद्ध किया, तो वो धीरे धीरे बिगड़ करके शारदा लिपि चंदवाणी लिपि में बदल गई, पाबूची क्या कहते हैं शारदा लिपि पाबूची में बदल गई, भटाखरी में बदल गई, भटाखरी से ही निकले कुछ शब्द हैं वो भी इंटरमिंगल्ड हो गए, और पंडवाणी लिपि में, ऐसी जो पांडुलिपियाँ वो पहाड़ी भाषा में, जो समृद्ध करती है कि हिमाचल की अपनी ये पांडुलिपियाँ भी समृद्ध लोक साहित्य की वो संवर्धक है और पहाड़ी भाषा की समृद्ध स्रोत है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि मूलतः पूरा सारा का सारा ये कश्मीर से ओरिजिनेटेड है, कश्मीर और फिर बाकी
यहाँ के परिवेश में अपने आप जो भी गुरुकुल थे उसके आधार पे जो पांडुलिपियाँ लिखी गई, अभिलेख है तो उन्होंने चंबा के अभिलेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हिस्ट्री में, तो उन्होंने चंबियाली लिपि में चंबियाली में लिखे हैं। उषारदा में के मिलेंगे कुछ, या दूसरी क्या कहते हैं कुटिल लिपि में भी मिलेंगे कुछ, भोट लिपि में भी मिलेंगे ऐसे ही अभिलेख, परंतु उनकी भाषा हिमाचल की पहाड़ी भाषा ही है, चाहे वो उपभाषा चंबियाली हो, चाहे वो सिरमौरी हो, चाहे वो मासवी हो, ये समृद्ध है हिमाचली पहाड़ी भाषा की। परंतु आज प्रश्न ये आ रहा कि क्या हम और जो ऑफिशियल जो शारदा से एक पांचवी लिपि निकली वो थी टांकरी, वो हमारे राजगानों के समय ये टांकरी लिपि जो है हमारे जिसको बोलते हैं ऑफिशियल स्क्रिप्ट रही है। अच्छा। कि उसमें लिखते थे, आदेश लिखते थे, बहुत सारे चंबा राजा के आदेश है या रामपुर बुशहर के राजा के आदेश है या सिरमौर राजा के आदेश है, वो टांकरी में ही होते थे। और दूसरा ये जो हमारे ये जो क्या कहते हैं व्यापारिक लिपि भी रही है, जितने भी हमारे व्यापारी है वो उसमें ही लिखते थे, अपना गणना गणित सारा उसमें लिखते थे लेखा जोखा। छः हमारे पांडु लिपि जो टांकरी है उसकी 6 काइंड्स है हिमाचल में। परंतु प्रश्न ये आ रहा कि क्या ये साहित्यिक भाषा हो सकती है या पहाड़ी भाषा की हो सकती है, राइट। परंतु इसका कंक्लूजन मैंने 6 अध्याय में दिया है इस पुस्तक के 6 अध्याय में, उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि गीत कथा गाथा लोक नाट्य लोक सुभाषित अपनी अपनी उपभाषाओं और बोलियों में है, right। वो अपने आप में समृद्ध है। कुल्लूवी के लोग कुल्लू में लिखते हैं गीत भी कथा भी गाथा भी लोक नाट्य भी, बघाट के लोग बघाटी में लिखते हैं, कांगड़ा के लोग कांगड़ी में लिखते हैं, और चंबा के लोग चंबियाली में लिखते हैं, किन्नौर के लोग किन्नौरी में लिखते हैं, या इनकी सब डायलैक्ट्स में भी लिखते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु आधुनिक साहित्यकार किस में लिख रहे हैं? हिमाचल के अच्छे कवि आज लोक साहित्य देवनागरी में लिख रहे हैं, पहाड़ी में। कांगड़ा का अच्छा लेखक अगर कविता रच रहा है वो देवनागरी में लिख रहा है, परंतु है वो कांगड़ी में। अगर कुल्लू का एक कोई अच्छा साहित्यकार लोक साहित्यकार कुल्लूवी में लिख रहा है, उपभाषा कुल्लूवी हो गई, डायलेक्ट हो गई, परंतु वो लिख किस में रहा है? देवनागरी में। सहज होगी ना हमारे लिए। तो आज की जो मैंने रिकमेंड भी किया है इसको कि इसको हम जो है जब अगर आप 8वीं अनुसूची के लिए सहज रूप से आएगी तो वो हमारी देवनागरी ही होगी, चाहे चंबा का व्यक्ति चंबियाली में लिखे, किन्नौर का व्यक्ति किन्नौरी में लिखे, परंतु होगा वो गीत कथा गाथा लोक नाट्य लोक सुभाषित भी अगर कोई रच रहा है तो वो भी देवनागरी में। कथा आधुनिक विधा पर लिखेगा तो वो जिस भी उपभाषा में लिखेगा, जिस भी बोली में लिखेगा, तो वो पहाड़ी का ही कोई समृद्ध कर रहा है। और इसके अतिरिक्त लोक नाट्य संवाद लिखो आप, किसी भी अगर कहलूरी में लिख रहा है कोई लोक नाट्य का संवाद कर रहा है या मलयाली में लिख रहा है तो वो करे, अपने आप में पूर्ण है, परंतु समष्टि रूप में तो हिमाचली पहाड़ी भाषा ही हो जाएगी जब हम 8वीं अनुसूची के लिए। ये सारे प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि हिमाचली पहाड़ी भाषा का अपना आधुनिक साहित्य लोक साहित्य भी समृद्ध है जो देवनागरी में लिखा जा रहा है। तो आधुनिक लोक साहित्य अगर देवनागरी में लिखा जा रहा है तो हम ये सुझाव देते हैं और 8वीं अनुसूची के लिए भी कि देवनागरी में ही हम इसको देवनागरी को ही हिमाचली पहाड़ी भाषा की लिपि के रूप में इसको स्वीकार करें और हमारा समष्टि रूप में हिमाचली पहाड़ी भाषा, व्यष्टि रूप में अलग अलग उपभाषाएं या बोलियां, ये मेरा निवेदन है। The Himachali Podcast।